देखें ये डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि ये बेसिकली निचोड़ रहे हैं हर केस को, हर केस के अंदर जितना मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन जितने गुजर सकें ये गुजारें, ताकि इमरान खान साहब की हिम्मत को तोड़ा जा सके। वो ये समझें कि मैं तो कभी भी बाहर नहीं आऊंगा, एक झूठे केस के अंदर मुझे जो है वो बेल नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि मैं हार मान लूं, इनके सामने बैत कर लूं। तो ऐसे ये सारे जो इनके वहम है वो वहम निकाल दें। खान साहब ने बिल्कुल डट के मुकाबला किया और मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज साइफर केस की समाअत थी और हमारी पूरी लीगल टीम इसके अंदर पेश हुई है, और दूसरी तरफ से आप देख लें कि करोड़ों रुपए खर्च करके प्रोसिक्यूटर जो हैं वो मुकर्रर किए गए, और आज तीनों में से एक भी अवेलेबल नहीं था, और एक नई डिले टैक्टिक्स की गई, एक नया बहाना बनाया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मसरूफ हैं, तो लिहाजा आज हमें डेट दी जाए। गुजारिश ये है कि पहले ही डेढ़ हफ्ता जज साहब जो हैं वो छुट्टी पर थे, आज शुक्र शुक्र करके हम ये कह रहे थे कि वो आए हैं और आज इस बेल के ऊपर समाअत करेंगे। बहसीयत कौम हमारे लिए शर्म की बात है कि अमेरिका से धमकी मिली और उस में इमरान खान साहब की चलती फिरती हुकूमत को गिरा दिया गया, और उसके बजाय ये कि उस धमकी को जवाब दिया जाता, बजाय ये कि उनके जो उन्होंने साजिश की उसको रद्द किया जाता, आज इमरान खान साहब के ऊपर एक ऐसा ही उसी केस के अंदर एक झूठा केस बनाया गया जिसमें आज खान साहब को गिरफ्तार किया गया है। गुजारिश ये है कि वो शख्स जिसने आज़ाद मुल्क की बात की, जिसने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की, वो शख्स जिसने गरीबों की बात की, वो शख्स जिसने मुस्लिम उम्मा की बात की, जिसने पूरी दुनिया में मुसलमानों का नाम रोशन किया, जिसने गरीबों की बात की, जिसने सेहत कार्ड फ्री वो सहूलत शुरू की, उस शख्स को एक बोगस आर्डर के जरिए अंदर डाल दिया गया, जो कि जो है वो दूसरे अशखास जो कि जिन्होंने करप्शन की, जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, वो आज बाहर चले गए हैं, मजे कर रहे हैं, उन्होंने अपने केस खत्म करवा लिए हैं। इनको इमरान खान का खौफ है कि वो जिस वक्त बाहर आएगा और ये उनसे कंट्रोल नहीं हो पाएगा। एक शख्स को हटाने के लिए आज मुल्क के अंदर ये पोजीशन आ गई है कि दो टाइम की रोटी खाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है, महंगाई इस तरह है कि पेट्रोल हो, डीजल हो या खाने पीने की चीजें हो, आसमान को छू रही हैं, और सिर्फ उस शख्स से दुश्मनी करने के लिए ये सारा ढोंग रचाया गया है और उसको एक बोगस केस के अंदर गिरफ्तार किया गया है। इंशाल्लाह वो आएंगे, वो लीड करेंगे और इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे और इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। दूसरे नंबर पर ये बता दूं कि इलेक्शन जो हैं वो 90 डेज के अंदर होने चाहिए, और सदर पाकिस्तान से हम मुतालबा करते हैं कि वो तारीख दें और अपनी आइनी जो जिम्मेदारी है वो निभाएं, ताकि ये जो मुल्क के अंदर गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है इसका खात्मा हो और अवामी नुमाइंदा हुकूमत जो है उसका इंतखाब हो, ताकि मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामजन हो सके। जी कोई सवाल? देखें ये जो समाअत है ये 1 बजे के लिए हमने जो है वो इस्तदा की कि आप जो है 1 बजे तक सुप्रीम कोर्ट में समाअत है, तो ये वहाँ से जब फारिग होंगे तो आ जाएं और काम किए जाएं, लेकिन ये एक बहाना बनाया गया है। बेसिकली आपको पता है कि तोशाखाना केस के अंदर भी जब अपील हमारी और सस्पेंशन हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी, उस टाइम के ऊपर भी ये कभी ये कहा गया कि पेट खराब है, कभी ये कहा गया कि तैयारी नहीं है, और कभी जज साहब जो हैं वो बीमार हैं। आज भी इसी तरह से एक बहाना बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जज साहब को इस दरख्वास्त को खारिज करना चाहिए और खान साहब को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। अगर आज समाअत मुलतवी की गई तो ये खुलम खुला आइन के ऊपर हमला होगा। फेयर ट्रायल हर इंसान का बुनियादी हक है जो कि आइन पाकिस्तान देता है, और आज जो है उनकी बेल के ऊपर समाअत होनी चाहिए ताकि उनको
जो है उनको इंसाफ फराम किया जाए। नहीं साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान के केस में खास तौर पर डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? मोबाइल देखें, ये डिले टैक्टिक्स का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है कि ये बेसिकली निचोड़ रहे हैं हर केस को, हर केस के अंदर जितना मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन जितने गुजर सकें ये गुजारें, ताकि इमरान खान साहब की हिम्मत को तोड़ा जा सके। वो ये समझें कि मैं तो कभी भी बाहर नहीं आऊंगा, एक झूठे केस के अंदर मुझे जो है वो बेल नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि मैं हार मान लूं, इनके सामने बैत कर लूं। तो ऐसे ये सारे जो इनके वहम हैं वो वहम निकाल दें। खान साहब ने बिल्कुल डट के मुकाबला किया और मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला करेंगे। किसी तरह से इनकी जो पॉलिसी है या जो इन्होंने प्रोग्राम मनसूबा बनाया हुआ है, तमाम इनके वहम जो हैं वो निकाल देंगे।